गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल दानिश बेग लर्निंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज मैं आपको हिंदी की प्रसिद्ध लेखक श्री जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय एक्सप्लेन करूंगा, साथ में उनकी कृतियां एवं रचनाएं को भी समझाऊँगा और भाषा शैली पर भी चर्चा करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है जीवन परिचय जयप्रकाश भारती का। श्री जयप्रकाश भारती जी का जन्म सन 1936 में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर मेरठ में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रघुनाथ सहाय था, जो एक एडवोकेट थे। इन्होंने मेरठ में ही शिक्षा ग्रहण की। बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने समाज सेवा के कार्य किए। आपने प्रारंभ से ही दैनिक प्रताप मेरठ तथा नवभारत टाइम्स दिल्ली पत्रकारिता का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने कई वर्षों तक दिल्ली से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक हिंदुस्तान में सह संपादक के रूप में कार्य किया तथा बाल पत्रिका नंदन के संपादक रहे। इन्हें भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। सन 5 फरवरी 2005 को इनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, इनकी ये निम्न प्रकार की कृतियां हैं। जयप्रकाश भारती जी की रचनाएं एवं कृतियां निम्न प्रकार से हैं। देखिए, ये इनकी रचनाएं एवं कृतियां हैं। इनकी रचनाएं हैं हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, देश हमारा है, अस्त्र शस्त्र, बर्फ की गुड़िया, भारत संविधान, भारत का संविधान। तो फ्रेंड्स, इनकी कृतियाँ एवं रचनाएँ हो गई। तो अब आपको मैं भाषा शैली भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इनकी। देखिए, भारती जी की भाषा सरल, सुबोध, साहित्यिक, खड़ी बोली है। इनकी भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के शब्द भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी भाषा शैली, ये इनकी रचनाएं और ये इनकी जीवनी। तो एग्ज़ाम बोर्ड के लिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में। तो आप इसको अच्छी तरीके से रेडी कर लेना एग्ज़ाम बोर्ड के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप थैंक यू फॉर वॉचिंग।